समर्पण नहीं किया, जो पूरी मेहनत थी वो नहीं कर पाए तुमने, तुमने पूरी तरह से खोज नहीं की। ये नहीं हो सकता कि जीव मर भी जाए और जीता भी रहे, ये असंभव है। या तो पूरी तरह से वो मर जाएगा जीव, या पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा, सांस चलती रहेगी। तो इसी प्रकार से हम न तो पूरी तरह से छोड़ पा रहे हैं और न ही पूरी तरह से समर्पण कर पा रहे हैं। एक धावक दौड़ने वाला, अगर आप उसको दौड़ने की कहोगे तो भागेगा, लेकिन उसी धावक को ले जा करके आप मैदान के अंदर छोड़ दोगे 10-20 भागने वालों के बीच, तो वो अपना और अच्छा देगा, अच्छा समय निकालेगा। उसी धावक को आप कंपटीशन के अंदर छोड़ दोगे बहुत बच्चों के बीच, फिर और अच्छा समय निकलेगा, फिर भी वो अपना पूर्ण नहीं दे पा रहा। अगर उसके पीछे किसी शेर को लगा दिया जाए तो जान बचाने के लिए और भी तेज भागेगा, लेकिन फिर भी अपना पूर्ण नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ये पूर्णता नहीं है। इससे भी आगे जो कर सके वही अध्यात्म का चुनाव होगा, वही उस पूर्णता की शिखर होगी और वही पहुंचने पर शांति प्राप्त होगी। जब तक नहीं कर पाते, जब तक नहीं पहुंच पाते, तब तक नहीं। व्यर्थ आशा करना, व्यर्थ का उसके अंदर मोह करना, व्यर्थ का विचार करना, सब कुछ बेकार है। जब तक काबू नहीं हो पाता इन इंद्रियों के ऊपर, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब काबू हो जाता है फिर बहुत ऊपर चली जाती है ये बुद्धि। साधना की ओर अग्रसर होने लगती है, दूषित विचारों से दूर होने लगती है, वासनाओं से दूर हटने लगती है। लेकिन जब तक हम हटाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं। लेकिन आपने एक लाइट को देखा होगा, उसके अंदर सुचारू रूप से लाइट चल रही है, बल्ब जल रहा है। जब तक बल्ब नहीं चलता, हिलता रहता है बल्ब, और बल्ब ये समझे कि यही मेरी पूर्णता है और यही प्रकाश है और यही सब कुछ है, तो ये केवल भ्रम होगा, भ्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। जो ही लाइट आएगी, प्रकाश फैल जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि पूर्णता तो ये है, वो पूर्णता नहीं थी जिसे हम मान कर बैठ गए। तो जिसे हम मान करके बैठ गए हैं कि ये परमात्मा है, वो परमात्मा नहीं है। हमें खोज करनी होगी। नदी अगर सागर की ओर न बढ़ करके वहीं बैठ करके पूजा करने लगे, आरती करने लगे, आगे न चले, तो नदी कभी सागर नहीं बन पाएगी। आपने छोटा सा पक्षी देखा होगा, अंडा भी देखा होगा, उसके अंदर जो छोटा सा बच्चा होता है जब बाहर आता है अंडे को तोड़ करके, जब वो कोशिश नहीं करेगा अंडे को तोड़ने की, बाहर आने के लिए नहीं छटपटाएगा, तो कैसे वो किस तरह से बाहर आ पाएगा? नहीं आ सकता। जब वो कोशिश करेगा बाहर आने की तभी वो बाहर आ पाएगा। जब उड़ने के लिए हम नहीं कोशिश करेंगे तब तक कैसे उड़ पाएंगे? उस अध्यात्म के मार्ग की ओर, उस आकाश की ओर, उस परम चेतना की ओर कोई नहीं पहुंच पाएगा।
कल्पना भी नहीं कर पाएगा। पक्षी एक पेड़ के ऊपर जब बाहर निकला अंडा अंडे से, उसने देखा माता पिता आकाश में उड़ारी ले रहे हैं, लेकिन मैं नहीं उड़ पा रहा हूं। बार बार हृदय के अंदर उड़ने की इच्छा जागृत तो हो रही है, लेकिन अंदर का भय, भय प्राण का, कहीं निकल न जाए, कहीं शरीर को खो न दूं, वो ये नहीं सोच रहा कि जब पंख दी हैं तो कोशिश करनी चाहिए, अपना पूर्ण देना चाहिए, पूरी तरह से समर्पण होना चाहिए। नहीं देख पा रहा, नहीं कर पा रहा। किसी तरह से उसके माता पिता उसे वृक्ष से धकेलते हैं और वो पंख मारने लगता है और उड़ चलता है। जब तक हम सागर के अंदर नहीं उतरेंगे, कैसे तैर पाएंगे? कोई कहे कि मुझे तैरना सिखा दो, सिखाना वाला कहे कि जल के अंदर उतरो, तुम्हें तैरना आ जाएगा, चलो जल के अंदर सिखाता हूं तैरना। लेकिन तैरने वाला कहे कि नहीं, मैं जल के अंदर तभी उतरूंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा, तैरना सिखा दोगे, ये बिल्कुल असंभव है, हो ही नहीं सकता कि जल के अंदर न उतरे और तैरना आ जाए, नहीं हो सकता। तैरना हर किसी को आता है, तैरने के लिए कुछ वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किस कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जल में उतरे और हाथ पैरों को पटकने लगे, हाँ इतना जरूर है कि धीरे धीरे हम उन हाथ पैरों को सही ढंग से मारने लगेंगे और तैरना अच्छी तरह से आता चला जाएगा। जितना समय और भावना समर्पण हम वहां करेंगे, उतने ही अच्छे तैराक होते चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से यह अध्यात्म का क्षेत्र है, जब तक हम इसके अंदर नहीं उतरेंगे तब तक कैसे चल पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे। हर कोई ये कहता है बहुत दूर वो देश है, बहुत दूर जाना, बहुत दूर देश बताते हैं, लेकिन मैंने बड़ा नजदीक और तह तक जा करके देखा है। ये मानव का शरीर 5-7 फुट का है, इसी के अंदर वो देश है, इसी के अंदर वो पीयू है, इसी के अंदर वो परमात्मा है। ज्यादा दूर नहीं, जनन इंद्रिय के पास मूलाधार के अंदर कुंडलिनी शक्ति नाभि के आसपास, कुंडलिनी शक्ति का नाम कुंडलिनी इसलिए पड़ा, जिस प्रकार आपने तालाब के अंदर, तालाब के पास या उसके ऊपर सर्प को देखा होगा। सोई इसलिए कहते हैं, जब सर्प सोता है तो कुंडल बना करके बैठ जाता है, कुंडल मार के बैठ जाता है और फन ऊपर हो जाता है। और इस तरह से बहुत सर्प देखे होंगे आपने घूम घूम करके। तो इसी प्रकार से ये कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई है, छुपी हुई है, नहीं खोज सकते हम इसको, भूल गए हैं। यज्ञ के अंदर, तप के अंदर, तीर्थों के अंदर भूल गए हैं, भटक गए हैं हम उस मार्ग से जहां वो ले जाना चाहता था, जहां वो पहुंचाना चाहता था, जो उसने दिशा दिखाई थी, भूल गए हम उसको और नहीं पकड़ पा रहे हैं। जब हम उसको पकड़ेंगे, जब हम उस तक पहुंचेंगे, तो फिर ज्ञान की चेतना होगी, परम प्रकाश होगा, ब्रह्म का खेल होगा, सब कुछ उसी का होगा,
बीज जब तक नहीं टूटता तब तक वृक्ष नहीं हो सकता, और जब वो टूट जाता है तभी वृक्ष हो पाता है। बीज के अंदर सामर्थ्य छुपा होता है, बीज के अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि वो वृक्ष बन सके।